नमस्कार, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन स्टाइल सांभर बड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम 150 ग्राम के करीब उड़द लिए हैं। इसमें हम पानी डालकर 3 से 4 घंटे तक सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। सांभर बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम तुअर दाल। इसे हम अच्छे से धोकर कुकर में डाल देंगे। एक बड़ी गिलास पानी डालेंगे, साथ में हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद करके 4 से 5 सीटी लगने देंगे। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जी को भून लेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तेल गर्म हो गया है। 1 चम्मच राई डालेंगे। राई जब अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालकर 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। कटी हुई कद्दू, बैंगन और गाजर, इन सब सब्जियों को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। सब्जी को हम 2 से 4 मिनट भून लिए हैं, हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सब्जी के साथ थोड़ी देर मसाले को भी भून लेंगे। सब्जी मेरे अच्छे से भून गए हैं, दाल पक गया है। अब हम इसमें सारी सब्जी को डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे। थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे हम ढक्कन बंद करके 1 सीटी लगने देंगे। उड़द दाल मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसे मिक्सर जाल में डाल देंगे। खड़ी गोल मिर्च, जीरा खड़ा, अदरक, हरी मिर्च और हींग डालकर पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया है। अब हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे बड़े जो हैं बहुत खिले खिले और सॉफ्ट बनते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मैश करेंगे। एक कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ी सी डो को डालेंगे। यदि डो ऊपर की तरह आ जाए तो समझिए कि आपका डो परफेक्ट है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे सरसों तेल। अब हम डो को डालकर चेक कर लेंगे। तेल मेरा गरम हो गया है। इसी तरह डो को डालकर हम तल लेंगे। बॉल्स मेरे एक तरफ से तल चुके हैं, अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से तल लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब हम एक कांटे वाले चम्मच से कुछ हम इस तरह से बड़े को कर लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। सांभर मेरी बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली की पानी, इसे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। अब हम इसमें सारी बॉल्स को डाल देंगे। बॉल्स को हम अच्छी तरह से मिला देंगे सांभर के साथ। इसी तरह सारी बॉल्स को हम तल लेंगे। सारे बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम अब निकाल लेंगे और सांभर में डाल देंगे। मेरा सांभर बड़ा बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।